Yes, today I am going to do a walk around video on the Xpulse 200, the off-road variant. So let's start. यस तो सामने में आप देख सकते हो कि एक एलईडी हेडलैम्प है, डुअल एलईडी हेडलैम्प है और द इंडिकेटर्स जो है वो बेसिक लाइक इट्स द बेसिक बल्ब इंडिकेटर्स एंड वी हैव अ स्मॉल फ्लैश विंडस्क्रीन ओवर हियर एंड द हैंड गार्ड. दिस इज द प्लास्टिक पीस, नो मेटल पीस इनसाइड, सो दिस इज नॉट रियली पर्पसफुल हियर. एंड देन वी हैव अ फ्लाई मड गार्ड. दिस इज रियली ब्यूटिफुल, लाइक इट सूट्स विद द बाइक ऑफ रोड कैरेक्टर. एंड लेट्स गो डाउन टू द सस्पेंशन. This have a 37mm telescopic suspension and it has a travel of 190mm. 190mm is really high, it's very good for off-roading. And to downwards, if we look, we have a 276mm petrol disc with the single channel ABS. So the ABS jo hai aapko samne hi milega, piche ABS nahi hai, ye single channel ABS hai. Aur jo tires aa rahe hai wo hai spoke wheels and it's around 21 inches. And it comes with a C8 dual purpose tires. तो इसके बाद हम लोग इंजन देखते हैं. इसका इंजन साइड, ये अभी एक FI वेरियंट आया हुआ है इसमें. तो इसका जो इंजन जो है वो सिंगल सिलेंडर OHC इंजन एंड इट इज़ 199.6 cc एंड इट प्रोड्यूसर्स 18.1 bhp एट 8000 rpm एंड 17.1 Nm टॉर्क 6500 rpm. सो ये है इसका इंजन स्पेक. और पीछे का ब्रेक्स भी देखे तो इसका ब्रेक सिलेंडर जो है वो एकदम हाइड किया हुआ है. दिस इज़ प्लास्टिक पीस, नॉट मेटल, सो इसका भी उतना अच्छा पर्पस नहीं रहेगा. एंड इट हैज़ ए किक स्टार्ट एंड ए सेल्फ स्टार्ट ऑल्सो. एंड नेक्स्ट वी विल गो टू द एग्जॉस्ट. इट्स एन अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट. तो एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ है, तो आप जब ऑफ रोड जाते हो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें भी. एंड नेक्स्ट टू द रियर पार्ट, द स्विंग आर्म इज़ रियली बिग, बहुत बड़ा स्विंग आर्म है इसका. और पीछे इसका डिस्क ब्रेक आ रहा है एंड नो ABS, इट्स ए सिंगल चैनल ABS. सो इट्स ए 220mm पेटल डिस्क एंड द रियर टायर इज ऑफ 18 inch एंड इट ऑल्सो कम्स विद द C8 डुअल पर्पज टायर्स. पीछे से ऐसे दिखेगा ये आपको. और इसका जो मेन अट्रैक्शन होगा एक छोटा सा LED टेल लैम्प है यहाँ पे. और जो इंडिकेटर्स है वो भी बल्ब इंडिकेटर्स, ये सेम एंड द नंबर प्लेट होल्डर एंड द नंबर प्लेट लाइट. सो ये है इसका पीछे का लुक. तो इस साइड में जाए तो एक छोटा सा यहाँ पे है सारी गार्ड, इसमें बहुत ही अच्छा एक सारी गार्ड है. और यहाँ पे आपको एक चेन प्रोटेक्टर भी आपको यहाँ मिलेगा, ताकि पत्थर कुछ भी आप जब ऑफ रोड जाते हो कुछ भी आके आपका चेन और स्प्रोकेट डैमेज ना कर दे. फिर इसका रियर सस्पेंशन देखते हैं. इसका रियर का सस्पेंशन जो है वो एकदम हाइड किया हुआ है, आपको एक्सपोज नहीं है उतना. एंड इसका जो स्प्रिंग, रेड स्प्रिंग आता है इसमें और ये 10-step एडजस्टेबल है. और इसका ट्रैवल आपको रहेगा 170mm. तो पीछे का भी ट्रैवल आपको बहुत अच्छा ट्रैवल है इसका. एंड इसका गियर बॉक्स भी आ रहा है, 5-speed गियर बॉक्स विथ वेट क्लच, नो स्लीपर क्लच. तो 5-speed है, वी आर मिसिंग द 6th गियर, द क्रूजिंग गियर विच वी कॉल देम. एंड होपफुली इट विल बी अ गुड क्रूजर ऑन द हाईवेज. कम्स द बैश प्लेट. द बैश प्लेट इज रियली हार्ड, इट्स द एल्यूमिनियम वन. तो अच्छा खासा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा आपके इंजन साइड में. और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आ रहा है वो 220mm, इज सेम एज दैट ऑफ द हिमालयन. सो इट्स वेरी रियली गुड फॉर द ऑफ रोडिंग. देन वी कम टू द क्रैश गार्ड. इसका क्रैश गार्ड भी अच्छा ही है, थोड़ा वाइड है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा जब गिरते भी हो. अगर ऑफ रोड जाके गाड़ी गिरता भी है तब आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलेगा इसमें. फिर हम लोग सीट देखते हैं. अभी सीट आपको उतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड साइड में है सीट, बट इट्स ए गुड सीट, गुड फॉर टूरिंग एंड ऑल. एंड होपफुली ये सीट इतना टैंक के ऊपर गया है तो आपको बैठने में भी उतना दिक्कत नहीं होगा. एंड व्हेन यू ब्रेक यू वोंट गो टू द फ्रंट, और आप टैंक के ऊपर नहीं चले जाओगे, यहाँ तक ही आओगे. इसमें अच्छा खासा ग्रिप भी है, तो आपको वो भी एक अच्छा चीज़ हीरो ने दिया है यहाँ पे. फिर हम लोग टैंक देखते हैं. इसका टैंक आ रहा है 13 liters, तो आपको माइलेज मिलेगा 35 to 40. होपफुली यू विल गेट मोर देन 40 ऑन द हाईवेज एंड ऑल इफ़ यू मेंटेन द गुड स्पीड. सो यस, वो था आपका टैंक का. और इसका जो हैंडल बार्स भी है वो अच्छा खासा है. इसका राइडिंग पोजीशन बहुत ही अपराइट राइडिंग पोजीशन है, और आप खड़े भी हो जाओ. ये टैंक इतना शेप्ड है कि यहाँ पे कोई कटिंग और वैसा कुछ भी नहीं है, तो आप जब खड़े होते हो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा. स्विचेस भी है, वो अच्छा खासा क्वालिटी स्विचेस है हीरो का, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो टेंशन इन दैट. स्विचेस आर ऑल्सो रियली गुड, सब कुछ अच्छा ही है इसमें. और जो फिनिशिंग भी है सब कुछ अच्छा ही है हीरो का नया 200 में. फिर मैं इसमें अभी बैठ के दिखाता हूँ. यस,
जब आप बैठते हो उसका वेट जा रहा है 154 kg. 154 kg मतलब आपका FI वेरिएंट 154 kg आता है और आपका जो कार वेरिएंट है वो 153 kg आएगा. तो इसका सीट हाइट है 823 mm. इसका मतलब मेरा हाफ फुट है. आई एम नॉट फुल्ली फ्लैट, फ्लैट फुट नहीं है मेरा, थोड़ा हाफ फुट ही है. तो अगर एक साइड में बैठते हो तो मेरा फ्लैट फुट आ जाता है. नेक्स्ट आपको मैं इसका मीटर दिखा रहा हूँ. तो ये है इसका मीटर, मीटर कंसोल. यहाँ पे आपको RPM मीटर दिखेगा, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिखेगा, और यहाँ पे आपको ट्रिप वन, एक छोटा सा दूसरा एक जगह है वहाँ पे आपको ट्रिप वन, ट्रिप टू, और जो नया फीचर जो है वो है ब्लूटूथ पेयरिंग फॉर टर्न बाई टर्न नेविगेशन एंड द इको मोड. तो इको मोड कैसे वर्क करता है कि यहाँ पे आपको 3 ब्लैंक डॉट्स दिख रहा है. जब ये ब्लैंक डॉट्स ब्लैक होता है तो एक डॉट ब्लैक हो गया तो आपका माइलेज उतना अच्छा है, 2 हो गया तो ज़्यादा अच्छा, 3 हो गया तो बहुत अच्छा. तो ये 3 है इसका माइलेज का, और आप जब तीनों ब्लैक होता है तो आपको सबसे ज़्यादा माइलेज तब मिलता है. फिर यहाँ पे एक साइड स्टैंड का इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है. एक गाड़ी साइड में ऐसे रखा है वैसा एक इंडिकेटर है, न्यूट्रल लाइट, ABS, एंड यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी दिखेगा. एंड वन मोर फीचर आई हैव टू शो यू इज दैट अंडर द सीट, सीट के नीचे है. सो ये नया एक फीचर है हीरो ने ऐड किया है इसमें, वो है कि आपको यहाँ पे फ़ोन चार्जर आ रहा है, इनबिल्ट फ़ोन चार्जर. सो होपफुली टूरिंग के लिए सभी फ़ोन चार्जर यूज़ करते हैं, तो इस टाइम हीरो ने इनबिल्ट फ़ोन चार्जर भी लगाया इसमें. यस, तो ये था मेरा एक्सपल्स 200 का वॉक अराउंड वीडियो. होपफुली यू गाइस लाइक द वीडियो. आपका सजेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय.